नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे WAG-12 लोकोमोटिव को एनर्जाइज और स्विच ऑन करने का तरीका। किस प्रकार से WAG-12 लोकोमोटिव को स्विच ऑन किया जाता है। जैसे कि आप जानते हैं WAG-12 लोकोमोटिव डबल सेक्शन लोको है, इसमें दो सेक्शन लोको है। तो सबसे पहले हम एक सेक्शन, किसी भी एक सेक्शन जो कि लोको पायलट साइड में बैटरी बॉक्स लगा हुआ है, उसके ऊपर के बैटरी बॉक्स कवर को हटाएंगे। ऐसे ही आपको अंदर ये सीबी सर्किट ब्रेकर दिखाई देगा, बैटरी का सर्किट ब्रेकर। अभी देखिए ये ऑफ पोजीशन में है, जैसे ही आपको ये दिखाई दे रहा है इस पे आपको 0-0 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये सर्किट ब्रेकर ऑफ पोजिशन पर है। जैसे ही बैटरी सर्किट ब्रेकर को आप ऑन करेंगे, इस पर आपको देखिए 1-1 का इंडिकेशन दिखाई देगा, इसका मतलब ये सर्किट ब्रेकर ऑन है। अभी आपको इस सर्किट ब्रेकर को ऑन करने के लिए इस कवर पे ये जो बोल्ट है के निशान दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे बोल्ट टाइट रहते हैं और आपको इसे ऑन ऑफ करने के लिए इन बोल्टों को हटाना पड़ता है। लेकिन भविष्य में यहाँ पे एक विंडो लगाने का प्लान है, विंडो लग जाएगा तो आपको ये बोल्ट नहीं हटाने पड़ेंगे, आप डायरेक्ट इसको हटा सकते हैं विंडो को और ऑन ऑफ कर लेंगे सीबी को। अब हम दूसरे सेक्शन में जाएंगे। हमने एक सेक्शन का बैटरी सर्किट ब्रेकर ऑन कर दिया है। आप जैसा कि जानते हैं WAG-12 लोकोमोटिव डबल सेक्शन लोकोमोटिव है, तो एक सेक्शन हमने बैटरी सर्किट ब्रेकर को ऑन कर दिया है। अब हम दूसरे सेक्शन के बैटरी सर्किट ब्रेकर को ऑन करेंगे। आप इसमें ध्यान रखें, दोनों ही सेक्शनों में बैटरी सर्किट ब्रेकर बैटरी बॉक्स के ऊपर वहां पे लगा है जिधर लोको पायलट बैठता है। फिर से आपको बता दूं, जिस तरफ कैबिन में लोको पायलट बैठता है उधर बैटरी बॉक्स के ऊपर एक कवर के नीचे आपको ये सर्किट ब्रेकर मिलेगा। अब हम दूसरे सेक्शन में आ गए हैं। दूसरे सेक्शन में आप देखिए सर्किट ब्रेकर पे 1-1 दिखाई दे रहा है, इसका मतलब ये ऑलरेडी बैटरी सर्किट ब्रेकर ऑन है, तो हम इसको ऑन रहने देते हैं। और अब हम एक तरफ से कैब में जाएंगे। कैब के हैंडल को आप नॉर्मली खोलोगे नहीं खुलेगा, क्योंकि ये लॉक रहता है, आप इसे चाबी के द्वारा ही खोल सकते हैं। ये रेड की से आप इसको मूव करिए और ये हैंडल आपका अनलॉक हो गया है, ये दरवाजा आपका अनलॉक हो गया है कैबिन का। अब आप कैबिन में अंदर जा सकते हैं। आप जैसे ही कैब में जाएंगे, अब आप जैसे ही कैब में आप जाएंगे तो दायां हाथ में आपको ये पुश बटन दिखाई देगा। आप जैसे ही इसे प्रेस करेंगे, कैब लाइट और मशीन रूम की लाइटें 15 मिनट के लिए ऑन हो जाएंगी, ये 15 मिनट तक जलती रहेंगी। इसी बीच आप लोगों का इंस्पेक्शन करेंगे अंदर से। सबसे पहले आप CCR पैनल की जांच करेंगे, जो कि सहायक लोको पायलट जहाँ बैठता है बिल्कुल उसके पीछे है, उसमें आपको देखना है कोई भी स्विच बाईपास नहीं होना चाहिए, सभी स्विच नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। पेंटो सेलेक्टर स्विच बाय डिफॉल्ट रियर पोजीशन में होना सुनिश्चित अवश्य कर ले CCR पैनल पे। देखिए इसके बाद में हम LV क्यूबिकल के सर्किट ब्रेकर्स की जांच करेंगे। तो अब हम चलते हैं LV क्यूबिकल। ये LV क्यूबिकल की सर्किट ब्रेकरों की जांच करेंगे। LV क्यूबिकल में जितने भी सर्किट ब्रेकर लगे वो सभी सर्किट ब्रेकर ऑन पोजीशन में होने चाहिए, एक एक सब की जांच करेंगे। यदि कोई सर्किट ब्रेकर ऑफ पोजीशन में है तो उसको हम ऑन कर देंगे। ZSEC की को हम सर्विस पोजीशन पर रखेंगे। देखिए ये इसकी सर्विस पोजीशन है ZSEC की। ये बैटरी वोल्ट मीटर है, जैसे हमने बैटरी का सर्किट ब्रेकर ऑन किया ऐसे ही यहाँ पे बैटरी वोल्टेज प्रदर्शित होने लग जाता है। बैटरी वोल्टेज 100 के आसपास होना सुनिश्चित करें, ये बैटरी वोल्ट मीटर है।
देखिए एलवी क्यूबिकल में भी एक पुश बटन लगा हुआ है। यदि आप लोगों की जांच कर रहे हैं और लाइट बंद हो गई है तो आप इस नीले वाले पुश बटन को प्रेस करिए, लाइट फिर से 15 मिनट के लिए एनर्जाइज हो जाएगी। 15 मिनट फिर से लाइट जलती रहेगी, आप फिर इंस्पेक्शन कर सकते हैं। एलवी क्यूबिकल के बाद में हम चलते हैं ई ब्लॉक वन। ई ब्लॉक वन में भी सभी सर्किट ब्रेकरों की जांच करेंगे। ई ब्लॉक वन में भी सभी सर्किट ब्रेकरों की जांच करेंगे। सभी सर्किट ब्रेकर ऑन पोजीशन में होने चाहिए। इसी प्रकार हम ई ब्लॉक टू के सर्किट ब्रेकरों की भी जांच करेंगे। सभी सर्किट ब्रेकर ऑन पोजीशन में होना सुनिश्चित करेंगे, देख लेंगे कोई सर्किट ब्रेकर ऑफ तो नहीं है। एक एक सर्किट ब्रेकर की जांच करेंगे, कोई भी सर्किट ब्रेकर ऑफ ना हो। ई ब्लॉक के बाद हम वीसीएम पैनल पे पहुंचेंगे। वीसीएम पैनल की जांच करेंगे, सभी न्यूमेटिक कॉकों की जांच करेंगे। सभी नॉर्मल पोजीशन होनी चाहिए। बोगी आइसोलेशन कॉक, ये बोगी आइसोलेशन स्विच, पार्किंग ब्रेक, इमरजेंसी कॉक, सेंडिंग बाईपास कॉक, ऑक्सिलरी बाईपास कॉक सब नॉर्मल है। ड्रेन वाल्व कॉक, फीड पाइप कॉक को नॉर्मल पोजीशन पे कर देंगे। नॉर्मल पोजीशन पे होने चाहिए सभी कॉक। ये आप डेड इंजन कॉक देख रहे हैं, ये डेड इंजन कॉक। प्रकाश कॉक नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए सभी कॉकों की हम यहाँ पे जांच करेंगे। ये देखिए प्रकाश कॉक, डेड इंजन कॉक, एमआर कटआउट कॉक, एमआर आइसोलेशन कॉक है, सभी नॉर्मल पोजीशन में है। डेड इंजन कॉक सामान्यतः इंजन में जब वर्किंग में रखना है तो इन पोजीशन में रखना होता है, जब डेड करना होता है तो इस पोजीशन में कर देते हैं। ये आउट पोजीशन है, डेड वर्किंग करना होता है तो, लेकिन अभी हमें नॉर्मल वर्किंग करना है तो हम इसको इन पोजीशन पे कर देते हैं। ये बीपी आइसोलेशन कॉक, ये सामान्य पोजीशन है इसकी, बीपी आइसोलेशन कॉक। पेंटो आइसोलेशन कॉक, ये पेंटो आइसोलेशन कॉक का नॉर्मल पोजीशन है, सुनिश्चित करें नॉर्मल पोजीशन में होना चाहिए। ये लाइटिंग पुश बटन फिर से यहाँ पे दिया हुआ है। यदि लाइट आपकी बंद हो गई है, आप इंस्पेक्शन कर रहे हैं और लाइट बंद हो गई है, तो आप इसे प्रेस करिए और फिर से 15 मिनट के लिए लाइट एनर्जाइज हो जाएगी, ऑन हो जाएगी। 15 मिनट तक लाइट फिर से, जो इंस्पेक्शन लाइट है वो फिर से जल जाएगी। हाँ, जैसे ही लोकोमोटिव आपका एनर्जाइज हो जाएगा उसके बाद में इसकी कोई आवश्यकता नहीं होगी, लाइट कंटिन्यू जलती रहेगी। अब एचवी क्यूबिकल के सर्किट ब्रेकरों की जांच करेंगे। एचवी क्यूबिकल के सर्किट ब्रेकरों की जांच करेंगे, सभी सर्किट ब्रेकर ऑन होना सुनिश्चित करेंगे। ये देखिए एक एक सर्किट ब्रेकर की हमें जांच करनी होगी WAG-12 लोकोमोटिव को एनर्जाइज करते समय। एचवी क्यूबिकल के सभी सर्किट ब्रेकर ऑन है। दोस्तों आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। एमआर ड्रेन कॉक, ये एमआर ड्रेन कॉक आइसोलेशन अवस्था में होना चाहिए। ये देखिए इसकी आइसोलेशन अवस्था है। जब भी आपको एमआर का ड्रेन करना हो तो आप इसको खोल सकते हैं, लेकिन नॉर्मली जब हमें वर्किंग करना हो तो इसको आइसोलेशन में रखना है। मेन एमआर आइसोलेशन कॉक, ये इसकी नॉर्मल पोजिशन है। लोकोमोटिव को एनर्जाइज करते समय एमआर कि ये नॉर्मल पोजीशन होना चाहिए। इसी प्रकार दूसरे सेक्शन में एलवीसी, ई ब्लॉक, एचवीसी और सीसीआर पैनल की जांच करेंगे और इसी प्रकार न्यूमेटिक पैनल की भी जांच करेंगे। सभी नॉर्मल पोजीशन में होने चाहिए, सभी के सर्किट ब्रेकर भी ऑन होने सुनिश्चित करेंगे। डबल सेक्शन लोको है जैसा आप जानते हैं। देखिए ये न्यूमेटिक पैनल, ईवीएम पैनल, सभी कॉक नॉर्मल पोजीशन में है।
ई ब्लॉक टू, ई ब्लॉक वन, सभी के सर्किट ब्रेकरों की यहाँ पे हमें जांच करनी है। सभी ऑन पोजीशन में होना चाहिए। एलवी क्यूबिकल सबकी जांच करेंगे। उसके बाद हम उस कैब में जाएंगे जिसको हमें इनएक्टिव रखना है, जिस कैब से हमें काम नहीं करना है उसमें जाएंगे और वहाँ पे ईबीवी में चेक करेंगे। ऑटो ब्रेक हैंडल एफएस में लॉक पोजीशन पे होना चाहिए। लीड एंड ट्रेल स्विच ट्रेल पे होना सुनिश्चित करें। ईबीवी पे हम इसको ठीक प्रकार से जांच करेंगे। डायरेक्ट ब्रेक रिलीव पोजीशन पे होना यहाँ पे अवश्य सुनिश्चित करें। और पेंटो स्विच, पेंटो टॉगल स्विच का अवश्य ध्यान रखें। जिस कैब से काम नहीं करना है, इनएक्टिव कैब का इमरजेंसी पे नहीं होना चाहिए। यदि ये टॉगल स्विच इमरजेंसी पे हुआ तो लीडिंग कैब से भी पेंटो अप नहीं होगा, पेंटो रेज नहीं होगा। इनएक्टिव कैब में यदि पेंटो इमरजेंसी में हुआ तो लीडिंग कैब से भी पेंटो अप नहीं होगा। ईबीएम और पेंटो टॉगल स्विच की अवश्य जांच करें। उसके बाद में हम उस कैब में जाएंगे जिसको हमें एक्टिवेट करना है। देखिए इस कैब को हमें एक्टिवेट करना है। इसमें हम कंट्रोल मास्टर में सबसे पहले बीएल की को लगाएंगे, बीएल की यथा स्थान पे। और अभी हम बीएल की को ऑन नहीं करेंगे, सबसे पहले हम सीसीआर पैनल पे बैटरी कनेक्शन स्विच को स्टार्टअप पोजीशन पे लेके और छोड़ देंगे। एक से दो सेकंड के लिए बैटरी कनेक्शन स्विच को स्टार्टअप पोजीशन पे लेंगे, फिर छोड़ देंगे, नॉर्मल हो जाएगा। और एक से दो मिनट आपको इसको एनर्जाइज होने में और लगेंगे, आपको डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेगा, डिस्प्ले ओपन होने लगेगा, डीडीओ कंप्यूटर का डिस्प्ले ओपन होगा, साथ साथ में ईवीवी का डिस्प्ले भी ओपन होने लगेगा। देखिए आपको यहाँ पे भी डिस्प्ले पे दिखाई देने लगेगा। देखिए इस प्रकार खुलने लगा है। जैसे ही स्क्रीन खुलने लगे आप मास्टर कंट्रोलर पर बीएल की को ऑफ से ऑन की तरफ घुमा दें, ऑन कर दें। जैसे ही आप ऑन करेंगे देखिए आपको यहाँ पे भी मैसेज मिलेगा ईवीवी पर भी। और ईवीवी पर भी आपको मैसेज मिलेगा। 102 मिनट आपको इसको तैयार होने में लगेंगे, आप वेट करें। देखिए अब आपका लोको ऑन हो गया है, लोको एनर्जाइज हो गया है। ईवीवी पे लीड एंड ट्रेल स्विच को आप लीड पे कर दें। ऑक्सिलरी प्रेशर कंप्लीट हो गया है। अब पेंटो रेज करने के लिए पेंटो रेज टॉगल स्विच को हम पेंटो रेज किया और प्रेस करके और छोड़ देंगे, पेंटो ऑटोमेटिक रेज होने लगेगा। पेंटो रेज करने के लिए पेंटो टॉगल स्विच को हम ऊपर की तरफ रेज किया और करके छोड़ देंगे। जैसे करके छोड़ेंगे पेंटो अप हो जाएगा। ओएचई का इंडिकेशन आपको कंप्यूटर स्क्रीन और लाइन इंडिकेटर दोनों पे मिलेगा और यहाँ पे आपको पता लग जाएगा ओएचई की रेंज क्या है, ओएचई किस रेंज में मिल रहा है। ओएचई सफिशियंट, ओएचई सफिशियंट होने पे आप वीसीबी क्लोज की कमांड दे सकते हैं। वीसीबी टॉगल स्विच को आप जैसे ही नीचे की तरफ क्लोज की तरफ प्रेस करेंगे वीसीबी क्लोज हो जाएगा। और जैसे ही वीसीबी क्लोज होगा आपको डीडीयू पे इंडिकेशन मिलेगा किस सेक्शन का वीसीबी क्लोज हुआ है, उसी के नीचे आपको ग्रीन ये इंडिकेशन दिखाई देने लगेगा। अब आपका लोको ऑन हो गया है। लोको ऑन हो जाने के पश्चात एमआर प्रेशर बिल्डअप होने लगेगा। जैसे लोकोमोटिव ऑन हो जाएगा, एनर्जाइज हो जाएगा, तो एमआर का प्रेशर बनने लगेगा। जब एमआर का प्रेशर आपका 8 से 10 केजी बन जाए तब तक आप इंतजार करेंगे। देखिए एमआर प्रेशर 8 से 10 केजी पूर्ण हो गया है।
ईवी पर हम ऑटो ब्रेक हैंडल की लॉक पिन को पहले ही बाहर निकाल चुके हैं और ऑटो ब्रेक हैंडल को जैसे ही रन पे करेंगे हमारा बीपी प्रेशर चार्ज होने लगेगा, लोकोमोटिव का बीपी प्रेशर चार्ज होने लगेगा। बीपी प्रेशर पूर्ण होने के लिए इंतजार करेंगे। देखिए बीपी प्रेशर पूर्ण हो गया है। बीपी प्रेशर पूर्ण होने के बाद में हम इंडिकेशन पैनल पर देखेंगे। इंडिकेशन पैनल पर कोई इंडिकेशन नहीं होना चाहिए, पार्किंग ब्रेक का इंडिकेशन है। अभी हम पार्किंग ब्रेक को रिलीज करेंगे। पार्किंग ब्रेक रिलीज टॉगल स्विच को नीचे की तरफ प्रेस करेंगे, ऐसे पार्किंग ब्रेक देखिए रिलीज हो रहा है। जैसे रिलीज होगा ये इंडिकेशन पैनल पर इंडिकेशन चला जाएगा। अब हमारा लोकोमोटिव चलने के लिए तैयार है। दोस्तों लोकोमोटिव अब हमारा चलने के लिए तैयार है। अब हम डायरेक्शन सेलेक्टर स्विच को डायरेक्शन देंगे और थ्रॉटल खोलेंगे, ऐसे ही WAG-12 लोकोमोटिव चलने लग जाएगा। थैंक्स दोस्तों, धन्यवाद। आपको हमारे वीडियो कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में अवश्य कमेंट्स करें। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को शेयर अवश्य करें। थैंक्स दोस्तों। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें। हमारी न्यू वीडियो